हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं अगेन आपके सामने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। सो अगर आप टीचर है, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप एक कॉमन मैन भी है, मतलब ना स्टूडेंट है ना टीचर है, एक एज अ कॉमन पर्सन भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्वालिटी एजुकेशन। ओके, क्वालिटी एजुकेशन आखिर क्या है, ठीक है, और इसको लेकर के जो मिथक है, माइथ्स है, ठीक है ना, ये क्या है। सो माइथ्स अगर हम देखें तो क्वालिटी एजुकेशन के जो मतलब क्वालिटी एजुकेशन को डिफाइन करता है, एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन क्या है और एक्चुअली में क्वालिटी एजुकेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो तीन चार चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द क्वालिटी एजुकेशन को आका गया है ना, आका जाता है, एक्चुअली गया नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जिसमें कि अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट की एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, या स्कूल भी मान सकते हैं आप, इंस्टीट्यूट भी मान सकते हैं, इवन कॉलेज भी आप मान सकते हैं। सो क्या होता है, सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा है कैंपस, तीसरा है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी, और वन मोर थिंग आज के डेट में टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है। सो जो क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है, तो वो इन तीन चार चीज़ों के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करती हूँ कि आखिर ये क्वालिटी एजुकेशन इन तीन चार चीज़ों को कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसी भी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या फिर जो भी सेंटर ले लीजिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाई फाई उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए गए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन, काफ़ी बड़े स्तर पर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। दूसरा होता है कैंपस। अब कैंपस के बारे में मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहूँगी। यहाँ पर कैंपस कुछ स्कूल्स के या कुछ इंस्टीट्यूशन के या कुछ सेंटर के काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। अब कैंपस बड़े होते हैं तो अलग अलग टाइप की फ़ीस भी ली जाती है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड फ़ीस और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ीस भी ली जाती है। तो कई बार क्या होता है, आपसे पैसे तो ले लिया जाता है, बट स्कूल्स के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास कई बार स्पोर्ट्स टीचर नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा कई बार हमारे यहाँ क्या हुआ था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर तो थे मेरे स्कूल में, ठीक है ना, लेकिन कभी हम लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं कराया गया, ठीक है। सो ये भी चीज़ें होती हैं। सो क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर इस पर भी जो है फीस ली जाती है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक बहुत बड़ा टैबू बन चुका है बच्चों के लिए खासकर, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, तो टेक्नोलॉजी भी एक एडवांस बोलते हैं ना, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, एडवांस एजुकेशन देंगे, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी ज़्यादा रोल यहाँ पर होने लग रहा है आजकल के डेट में। सो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि कौन सी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन है, आखिर कौन हमें क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये चार पांच चीज़ें मैंने आपको बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस हो गया, इंग्लिश हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया जो आजकल काफ़ी डिमांड में है हाईली। सो अब इसके अलावा इन सारे टॉपिक पर हम वापस आएंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात क्यों कर रही हूँ। सो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। अगर आपने नहीं सुन रखा है तो मैं इस अगले वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, ठीक है। सो SDG गोल नंबर 4, सतत विकास लक्ष्य का जो चौथा लक्ष्य है, ये क्वालिटी एजुकेशन ही है, ठीक है, इसीलिए हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कोई एक पर्टिकुलर सरकार ही इसे जो है लागू करेगी या इसके लिए काम करेगी। जो भी इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, या जो भी टीचर या होम ट्यूटर भी हो सकता है अपने लेवल पे काम कर रहा है, उसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्वालिटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि अननेसेसरीली होती है, ठीक है, अननेसेसरीली हो भी रही है काफ़ी सारे जगह पे, ठीक है, हमारे राज्य में भी और भारत के दूसरे राज्यों में भी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी एजुकेशन SDG लक्ष्य जब ये तय किया गया था सतत विकास का, तो इसमें क्या पॉइंट्स जो थे वो
दिए गए थे, यानी कि अगर हम किन चीज़ों पे कार्य करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन एक बच्चे का वो कहलाएगा। तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, अगेन कुछ 4-5 पॉइंट है जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मुझे लगते हैं, जिस पे वाकई में ध्यान देकर हम एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बना सकते हैं। तो पहला है जिसमें जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, SDG जो है, यूनाइटेड नेशन भी ये बात कहता है, वही बात मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, यानी कि समानता, लिंग समानता, मतलब कि लड़का लड़की में भेद। तो ये चीज़ें, ये जो एजुकेशन होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एजुकेशन जो है गर्ल्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और बॉयज़ के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो जेंडर इक्वालिटी की जो एजुकेशन है वो स्कूली शिक्षा से ही, यानी स्कूल के समय से ही बच्चों को देनी चाहिए, बट ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है कहीं पर भी, ठीक है। इसके अलावा होता है कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, हम संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। संस्कृतियाँ हमारे देश में कितनी सारी हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रिलीजन फॉलो किए जाते हैं हमारे यहाँ, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है जो कि बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है, ठीक है। तो ये संस्कृति, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसके बारे में हमारे यहाँ बच्चों को ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी एजुकेशन का एक पार्ट है। इसके अलावा पीस है ना, पीस की अगर हम बात करें, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीस, ठीक है। पीस यानी होता है शांति, शांति के लिए, मतलब शांति का मतलब ये नहीं है, मतलब शांति का ये है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो उसे पीसफुली कैसे सॉल्व करें। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर एग्ज़ाम में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप इसे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आप पीसफुली भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है पीस का, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अब मैं आपको जेंडर इक्वालिटी बता चुकी हूँ, कल्चरल, प्लस अपना जो डाइवर्सिटी है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको, इंडिया की नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड ही डाइवर्स है, ठीक है। तो इंडिया में हमारे यहाँ काफ़ी सारे जो है रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, इसलिए इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ तो अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, सारी चीज़ों की का रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें स्कूलों में होनी चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताई है, जो कि अनफॉर्चुनेटली होती नहीं है, और अगर होती भी है तो वो इतना ज़्यादा सिर्फ नाम मात्र का वो वहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी होगी। इसके अलावा नॉन वायलेंस, जो कि नॉन वायलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉन वायलेंस अहिंसा, ठीक है। हमारे धर्म जो है, अलग अलग धर्म है देश में, सारे धर्म नॉन वायलेंस की बात करते, लेकिन स्कूलों में इससे रिलेटेड ऐसी कोई शिक्षा दी नहीं जाती, ठीक है। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप धार्मिक चीज़ों को इंक्लूड कर दो, लेकिन फिर भी नॉन वायलेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए आज के डेट में जो हमारा स्टूडेंट है, आगे से जाके वो डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनेगा, इस देश का फ्यूचर है वो, तो नॉन वायलेंस की एक्टिविटीज़ या नॉन वायलेंस क्या होता है, ठीक है, पीसफुली आप अपने जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों में डालनी चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं कहती हूँ, अगेन यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सेटअप SDG गोल्स है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 चीज़ें जैसे इंग्लिश हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके इर्द गिर्द अगर क्वालिटी एजुकेशन को आप मानते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि मैं SST की टीचर हूँ इसलिए मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो हिस्ट्री में अगर कोई टॉपिक है जो कि बच्चों को जटिल लगता है, कई बार क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जैसे कि हिस्ट्री से मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो किसी भी एजुकेटर का, टीचर का, या जो भी सिखाने वाले है, ठीक है, गुरु, उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी जटिल टॉपिक को बिल्कुल सरलता से वो बच्चों को समझाए, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन में ये नहीं होता कि आप जटिल से जटिल चीज़ों को बच्चों को परोस दें, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जटिल से जटिल चीज़ों को सरल से सरल भाषा में आप कैसे बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबको ही मिस कर देते हैं, ठीक है, गर्ल्स से रिलेटेड जो भी एजुकेशन होती है, ठीक है, चाहे वो मेंसुरेशन से रिलेटेड हो या हाइजीन से रिलेटेड हो, ये
टोटली इग्नोर की जाती है स्कूल्स में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी एजुकेशन नहीं दी जा रही है स्टूडेंट्स को, तो कहाँ से क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, कौन सी क्वालिटी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन को आप किस तरह से आंकते हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन अगेन ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। सेकेंडरी चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि क्वालिटी हमें लाइफ में देगी, है ना। क्वालिटी क्वालिटी इंसान कैसे बने, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास क्वालिटी है, इंसान के अंदर क्वालिटी कहाँ से आएगी, जब उसे क्वालिटी दी जाएगी, ठीक है। स्कूलों में अगर क्वालिटी बच्चों को दी जाएगी तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड इंसान होगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में हमें बताई जाती है क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह हमें आपके साथ करनी चाहूँगी कि इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा भारी भरकम टॉपिक बन चुका है आज के डेट में, ठीक है। यहाँ पर कई जगह ये देखा गया है कि बचपन से बच्चों में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक डर बन जाता है इंग्लिश को लेकर डर, ठीक है। कई बार स्कूलों में भी अनफॉर्चुनेटली बच्चों को ये फील कराया जाता है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो तो आप इन्फीरियर, यानी कि आपको नहीं आती बहुत सारी चीज़ें या आप कम हो किसी से। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। अब बच्चा स्कूल आया है तो वो स्कूल तो सीखने ही आया है ना, अगर आप नहीं सिखा रहे हो और उसके साथ इंग्लिश में बातें कर रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि सीखने को बच्चा आया है वो आप ही से सीखेगा। अब कुछ बच्चे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलते नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे में कमी है या फिर टीचर में कमी है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा टैबू के रूप में हमारे यहाँ पर काम करता है। मतलब कि अगर नहीं भी आ रही है लैंग्वेज तो हाँ, आप किसी भी एज में उस लैंग्वेज को सीख सकते हो, उसके लिए आपको अपने आप को किसी से कम आंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक या माइथ बोलूँ अंग्रेज़ी में, तो ये हमारे कंट्री में चल रहा है, ठीक है ना। तो अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको इंग्लिश को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मुझे जो भी मिसिंग पॉइंट्स होंगे वो अब मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।